बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर 11 है क्लास 10th के लिए, और हम लोग देखेंगे क्या है लेसन प्लान। लेसन प्लान इस तरह से है कि पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एनाटॉमी, अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन, ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर पार्ट को हम लोगों ने पार्ट बी में बांटा है। पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में है एटमॉस्फेरिक फ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टाइंडल इफेक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं पार्ट ए का। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। क्या है ये कि बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि हम लोगों को इनेबल करता है किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। हमारे पास और भी सेंस ऑर्गन है, पर उसका हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग टच के लिए करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं, स्मेल के लिए करते हैं, इन सब पर। आई से हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, वो उसका शेप देखते हैं, उसका कलर देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये। चलिए आई है क्या। आई एक तरीके का कैमरा, जैसे कैमरा होता है उसमें एक लेंस होता है, उसके पीछे एक स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन के क्या करता है, स्क्रीन पे जब लाइट पड़ता है तो वो उसको सेंस कर लेता है। उसी तरीके से हमारे आईज़ के अंदर में एक लेयर होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, और वो रेटिना क्या करता है कि हमारे जो लाइट आ रहा होता है आईज़ के अंदर, उस लाइट को सेंस करता है और उसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि ब्रेन तक सिग्नल के तौर पर जाता है, और फिर ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीज़ है। तो आइए हम लोग इसका कुछ स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कि रेटिना है हमारा, ये कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने देखा। ये जो हमारा ऑर्गन है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इम्पॉर्टेंट तो पूरा आईज़ का ही पार्ट है, पर उसमें से कॉर्निया है। हमारे आईज़ का जो डायमीटर होता है वो एक अडल्ट आदमी का 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है, और बाकी इसके डिटेल में हम लोग और डिटेल में आगे एनाटॉमी के स्ट्रक्चर करेंगे, तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब एक एनिमेशन से हम लोग समझेंगे आईज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आईज़ है ना, देख रहे हैं आप, ये आईज़ है हमारा, और इसमें कई सारा ऑर्गन्स है। हम लोग फटाफट थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि आपको मतलब जो चीज़ें अभी जिस क्लास की हैं आप उसके लायक की चीज़ें को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने मसल्स और फ्रंट का जो स्किन है उसको हमने रिमूव कर दिया, और हम लोग अब देखेंगे कि इसमें कुछ नर्व्स होते हैं। देखिए, जैसे ये नर्व्स जो आपने देखा, ये नर्व्स जो है जो कि हमारे ब्रेन तक कनेक्टेड होता है, उस नर्व्स को हम लोगों ने रिमूव फिलहाल कर दिया है। अब हम लोगों को क्या रिमूव करना, देखिए हम लोग मसल्स, क्योंकि ये मसल्स चाहिए मूव कराने के लिए आईज़ को, आई सॉकेट में जो आईज़ है उसको मूव कराने के लिए मसल्स चाहिए, उसको हमने रिमूव फिलहाल कर दिया है। आई लैशेज को रिमूव कर दिया, उसको नहीं पढ़ना हम लोगों को फिलहाल, और लैक्रिमल ग्लैंड्स और लैक्रिमल सैक है ये, इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब देखिए कि ये जो हमारा लिगामेंट्स है, जो देखिए ये जो लिगामेंट्स आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे, अटैचमेंट के ज़रूरी है आईज़ को। कुछ और भी फाइन और पार्ट्स है जिसको हम लोग अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं, क्लास टेंथ के लायक ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमें। तो हम लोग जो मेन चीज़ है उस पर आएंगे, हम लोग कंसनट्रेट करेंगे ताकि इसको हम लोग पढ़ पाएँ ज़्यादा बेहतर ढंग से। पर ये स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी था ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़। आइए अब हम लोग जो बेसिकली पढ़ना है उस पर कंसनट्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट हम लोग को एक बल्जिंग सा देखिए आईज़ में दिखा। ये जो बल्ज है, ये जो है, ये हमारा है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स टाइप स्ट्रक्चर है ना। ये क्या करता है कि आईज़ में जो लाइट आ रही होती है उस लाइट को आईज़ के अंदर आने के लिए उसको रिफ्रैक्ट करता है ना, जो लाइट आ रहा होता है उसको रिफ्रैक्ट करता है। आउटर लेयर है हमारे आईज़ का, और ये देखिए लाइट सीधा आने का ये बेंड हो जाता है, और बेंड होकर के हमारे फोकस होता है कहाँ,
मतलब लेंस के थ्रू जाने के बाद ये अंदर फोकस रहता है। इसको हम लोगों ने हटा दिया, कॉर्निया को हम लोगों ने हटा दिया, तो अब अंदर में हम लोगों को कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हैं अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग स्केलेरा बोलते हैं, उसको हमने हटा दिया। देखिए स्केलेरा को हटा देने का, ये तीन लेयर का होता है। सबसे नीचे में रेटिना मिलेगा। अभी देखिए ये है कोरोइड, है ना, स्केलेरा के बाद कोरोइड है। कोरोइड को भी हम लोग रिमूव कर देंगे तब जाके हम लोगों को रेटिना मिलता है। देख रहे हैं आप, स्केलेरा हटाया, कोरोइड हटाया, तब जाके रेटिना मिला। और ये सिलेरी मसल्स है, ये मूव कराने में मदद आता है आयरिस को मूवमेंट के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आयरिस है ना, इस आयरिस के मूवमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सिलेरी मसल्स। अभी इसको फिलहाल इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएगी। तो सिलियरी मसल्स को हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए सिलियरी मसल्स को रिमूव कर दिया तो आपको रेटिना दिखने लगा अंदर से भी, है ना। और ये जो है सिलियरी प्रोसेसेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि सिलियरी मसल्स को सपोर्ट करता है और हमारा जो आयरिस है उसको बैलेंस करता है। ये जो है कॉर्नियल कॉर्नियल लिम्बस है, जो कॉर्नियल लिम्बस होता है ये सपोर्टिव ऑर्गन है जो कॉर्निया को सपोर्ट करता है। आयरिस के लिए भी एक सपोर्टिव ऑर्गन है, अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये जो है ये एक सपोर्टिव ऑर्गन है, तो इसको भी हमने हटा दिया क्योंकि अब देखिए आपको आयरिस दिख रहा है और सिलियरी प्रोसेसेस दिख रहा है, तो सिलियरी प्रोसेस को भी हमने हटा दिया। अब देखिए हम लोगों को लेंस दिखने लगा है ना, लेंस अंदर में दिख रहा है, ये हमारा रेटिना है और ये देखिए लेंस है। और लेंस के पास में भी देखेंगे हम लोग के एक फाइबरस ऑर्गन है ना, ये जो है जोनियल फाइबर्स कहलाता है, ठीक है। राइट आईज का हम लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसलिए बार बार राइट आपको दिख रहा होगा, पर राइट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जोनुलर फाइबर्स है, तो जोनुलर फाइबर्स को भी हमने रिमूव कर देना है ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम साफ साफ दिखें जो प्योर वाइटल ऑर्गन्स है, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है आयरिस है। अच्छा ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल कुछ भी नहीं, प्यूपिल तो एक ओपनिंग है, वो ब्लैक इसलिए दिखाया जाता है, कोई ऐसा कोई फिलामेंट या कोई स्क्रीन नहीं है, वो एक्चुअली मतलब रास्ता है, एक ओपनिंग है, ठीक है। तो वो प्यूपिल आयरिस की वजह से बनता है, आयरिस छोटा या बड़ा होता तो प्यूपिल बनता है, ठीक है। और ये हमने क्या रिमूव कर दिया, हमने लेंस को भी रिमूव कर दिया। अब हम लोगों को अंदर से पूरा रेटिना दिख रहा है। तो चलिए हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया, थोड़ा एक ओवरव्यू मिल गया, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने समझा आइस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया को हम लोग शुरू भी मैंने कॉर्निया पे इम्पोर्टेंस दिया था कि कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और कॉर्निया क्या है कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है, देख रहे हैं आप कि कॉर्निया जो होता है हमारा वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये कवर करता है फ्रंट पोर्शन को, फ्रंट पोर्शन को कवर करता है। और इसके अंदर में आपको प्यूपिल मिलता है, आयरिस होता है, ऑब्वियसली आयरिस ही के वजह से प्यूपिल बनता है, एंड एंटीरियर चेंबर होता है, एंटीरियर चेंबर में फ्लूइड भरा होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में अभी देखेंगे। तो थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा कॉर्निया, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा कॉर्निया, आपने समझ लिया। आउटर बल्जिंग है, ट्रांसपेरेंट है, और ये जो लाइट सीधी आ रही होती है इसको ये फोकस करता है, समझ में आई बात को, ये समवेयर यहाँ कहीं फोकस होता रहेगा, अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। फिर है प्यूपिल, तो ये प्यूपिल क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्यूपिल, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा प्यूपिल के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली प्यूपिल जो है उसको हम लोग ये स्ट्रक्चर यहाँ से आपको दिख रहा है, इट इज़ नॉट एन स्ट्रक्चर, ये कोई स्ट्रक्चर है नहीं, ये कोई स्क्रीन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि कोई ऑर्गन नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर है, जो आयरिस है, इस आयरिस के जो बीच में ओपनिंग है, इस आयरिस के बीच की जो ओपनिंग है इसी को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई लेयर या ये कोई स्क्रीन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आयरिस छोटा होता है तो प्यूपिल हमारा, आयरिस अगर क्लोज होता तो प्यूपिल हमारा छोटा हो जाता है, और आयरिस अगर ओपन होता तो हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइस के अंदर जाएगा। अगर हम लोग धूप में जाते हैं तो बिल्कुल प्यूपिल हमारा छोटा सा हो जाएगा, और अगर हम लोग
डार्कर सॉरी डार्क एरिया में आएंगे तो प्यूपिल हमारा बड़ा हो जाता है। ये प्यूपिल कुछ नहीं होता बल्कि ये आयरिस की वजह से हो रहा होता है। इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आइए लेंस, तो लेंस में हम लोग देखेंगे कि लेंस क्या है। तो ऑब्वियसली एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है आइज़ के अंदर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेंस है ये एक लेंस होता है जो कि हमारे आइज़ में क्या करता है कि फाइन ट्यूनिंग करता है। एक्चुअली तो लाइट यहाँ से बेंड होना शुरू होता है और ये फाइन ट्यूनिंग कर देता है, लाइट को फाइन ट्यून करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। चलिए अब आइए एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, तो इसको देखिए ये आइज है हमारा, है ना, ये आइज देख रहे हैं। आइज का जो लेंस है, लेंस की जो बाहर से यानी कि हमारा कॉर्निया से लेकर के लेंस के बीच का जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक वाटरी सब्सटेंस एक्वस सब्सटेंस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये जो सीलियरी प्रोसेसेस था आपने ने देखा था, ये सीलियरी प्रोसेसेस से जनरेट होता है। ये सीलियरी प्रोसेसेस इसको बनाता है और ये इसका काम क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है और साथ ही साथ जो है नरिशमेंट देता है किसको, कॉर्निया को। आपने आपने देखा कि कॉर्निया जो हमारा उसमें ब्लड सप्लाई कहीं नहीं था, तो इसको नरिशमेंट कौन देता है, यही देता है एक्वस ह्यूमर। और थोड़ा लेंस को भी नरिशमेंट देता है, इसको आप लोगों ने समझ लिया। ये जो बाहर का चेंबर है, इस चेंबर में जो लिक्विड है, इसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर क्या है, ये भी सेम चीज़ ही है, पर ये जो है इस चेंबर में है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इस चेंबर में भरा हुआ है, इस चेंबर में जो है इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये भी वैसे ही वाटरी सब्सटेंस है, नरिशमेंट देता है और स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है। अब आइए रेटिना। तो रेटिना क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट लेयर, अभी हम लोग तीन लेयर देखा था, एक ये पहला ऊपर का लेयर देखा था, फिर बीच का एक लेयर देखा था हमने, और उसके बाद सबसे अंदर में एक लेयर था जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। ये जो है लाइट सेंसिंग नर्व्स का एक स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है, लाइट को सेंस करना और उस लाइट को सेंस करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फिर ट्रांसमिट करना नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, यही काम रेटिना का है। तो आपने देख लिया, रेटिना भी बात समझ में आ गई। अब आइए रेटिना का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें हम लोग। ये देखिए ये जो वाला पार्ट है ना, ये रेटिना है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कौन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग और आगे जब क्लासेस में जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना। तो आइए हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल अकोमोडेशन। अब आईज का जो के जो लेंस है, ये जो लेंस आपको दिख रहा है, इस ये जो लेंस है, ये देखिए किसी का कर्वेचर ज़्यादा और किसी का कर्वेचर कम है, तो ये कर्वेचर ज़्यादा या कम जो होता है वो अकोमोडेट करता है किस चीज़ को, फोकस करने में मदद करता है, एडजस्ट करता है, फोकस करता है रेटिना पे। कहाँ पर एडजस्ट करता है, रेटिना पे करता है एडजस्ट, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग। द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। आई लेंस जो है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और ये मदद करता है किस चीज़ को, लाइट जो आ रहा होता है उसको प्रॉपरली फोकस करने पर, रेटिना के ऊपर फोकस करने में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट। कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सीलियरी मसल्स। हमने बताया था आपको सीलियरी मसल्स की मदद से कर्वेचर को सम एक्सटेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आप, ये कर्वेचर कम है और इसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कर्वेचर ज़्यादा या कम करने से क्या होता है, ठीक है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंथ कैन बी चेंज कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ को चेंज करता है, अगर कर्वेचर को चेंज करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज होगा हमारा। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंथ बिकम थिन। जब मसल्स रिलैक्स होगा, इस पॉइंट को ध्यान देंगे हम लोग, जब मसल्स हमारा रिलैक्स होगा तो लेंथ क्या होगा, थिन हो जाएगा। लेंथ क्या होगा, थिन हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद आइए दिस इनेबल अस टू डिस
टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों को दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है। देखिए जब हमारा कर्वेचर कम हो जाता है तो दूर की चीज़ें हमें साफ सुथरी दिखती हैं, और जब कर्वेचर ज़्यादा होता है तो नज़दीक की चीज़ें हमें दिखती हैं। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ डिक्रीजेस, दिस एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये तो अपने देख लिया, समझ लिया। अब आइए बात करो जब मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि होता क्या है कि हमारे आई को जो लेंथ जो है हमारा आई के अंदर का लेंथ, इसको हम लोग एक मैक्सिमम कर्वेचर तक ही, मतलब इसका कर्वेचर एक सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम सर्कुलर कर दें या इस तरह से ऐसा कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक लिमिट है, और उस लिमिट की वजह से हम लोग एक सर्टेन नियर पॉइंट तक ही चीज़ों को प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ की चीज़ों को हम लोग फोकस नहीं कर सकते। तो एक जो सर्टेन डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं आई से सर्टेन डिस्टेंस, वो है हमारा 25 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको हम लोग नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी पैरेलल लाइट आता है, आप जानते हैं। तो इसको आप समझ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा एक एनिमेशन में कि कर्वेचर बढ़ने से क्या होता है और कर्वेचर घटने से क्या होता है। तो देखिए हम लोग, फोकल लेंथ चेंज विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ लेंस। तो अगर थिकनेस को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो क्या होता है, ये देखिए। देखिए थिकनेस घट रहा है तो फोकल लेंथ हमारा बढ़ रहा है, और जब थिकनेस बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ घट रहा है। इसको देखेंगे हम लोग, जब थिकनेस बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है, घटा रहे तो क्या हो रहा है, और जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। टू पॉइंट्स के लिए लेकर देखते हैं कि अगर हम लोग थिकनेस को कम कर रहे हैं तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है, और थिकनेस को बढ़ा रहे हैं तो फोकल लेंथ घट गया। ठीक है, समझ गए बात आप। अब आइए डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। तो कई सारे रीजंस की वजह से हमारे आईज में डिफेक्ट हो जाता है, एजिंग की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से। तो हालांकि हम लोगों को अभी मेडिकल साइंस में नहीं जाना है, हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पे इसको पढ़ रहे हैं। तो जो लाइट से रिलेटेड है और लेंस से रिलेटेड है, बस उसी पॉइंट को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग तीन तरह का इस टॉपिक में हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं। एक है मायोपिया जिसे हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं, फिर है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और है प्रिस्बायोपिया। ये एक नियर साइटेडनेस जैसा ही परेशानी होती है, पर ये एक्चुअली क्या होता है कि एजिंग की वजह से होता है, अकोमोडेशन के प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो आगे तो पढ़ेंगे। तो मायोपिया में क्या होता है कि दूर की चीज़ें, देखिए मायोपिया में क्या होता है कि इसको हम लोग जो है, इसमें क्या होता है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, हम लोग नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं, पर जो दूर से लाइट आ रहा है यानी पैरेलल लाइट जो आ रहा है उसे हम लोग प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। इन्हें ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रेटिना के पीछे इमेज बन रहा होता है, या सॉरी रेटिना के पहले इमेज बन रहा होता है, रेटिना के फ्रंट में इमेज बन जाता है। और ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, हो सकता है एक रीज़न इसका होता है कि कर्वेचर ऑफ आई लेंस का जो कर्वेचर है वो हमारा बढ़ जाता है ना, यानी ये लेंस होना चाहिए था कुछ इतना सा और ये हो गया है इतना सा, तो इसकी वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ घट जाएगा और यहाँ पे इमेज बनने लग जाएगा। अभी हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगी चीज़ें। अब आइए, और इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल ही हमारा बड़ा हो गया। एक्चुअली आई बॉल का साइज़ कुछ इतना होना चाहिए था, पर आई बॉल 2.3 सेंटीमीटर से बढ़ करके 2.4 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि फोकस तो हो रहा है 2.3 सेंटीमीटर पे, इस वजह से हमारा जो है चीज़ें धुंधली दिखने लगेंगी। इसी प्रॉब्लम को हम लोग मायोपिया कहते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग किस लेंस से हम लोग ठीक कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से। देखिए कॉनकेव लेंस क्या करता है कि डिफ्लेक्ट कर रहा लाइट को ना, ये जो डिफ्लेक्ट करेगा तो फिर इस लेंस की वजह से रेक्टिफाई हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉपरली फोकस्ड हो जाएगी लाइट। चलिए एक एनिमेशन से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा
डिफेक्ट कहाँ बनता है? जी, आपको बातें समझ में आ गई? चलिए अब है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, बस इसी का अपोजिट हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं दिखती हैं, है ना, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें दिखती हैं। इसमें क्या होता है कि फोकस जो है वो रेटिना के पीछे होता है। देखिए रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है ना, ये रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न हो सकता है कि हमारा जो है आई लेंस का जो है फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि लेंस पतला हो गया हमारा लेंस। और दूसरी बात क्या हो गया फोकल लेंथ ऑफ द, और दूसरा क्या हो गया कि आई बॉल का साइज छोटा हो, आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, ठीक है। और इसे हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस लगा करके हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। एक एनिमेशन से इसको भी थोड़ा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब है प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है कि लेंस को हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए ये ओल्ड एज में होने वाली परेशानी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि जो लेंस है हमारा, जिसको हम लोग थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो स्मूथली काम नहीं करता है, कम्फर्टेबली काम नहीं करता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए भी मसल वीक हो जाता है। इन सब वजहों से जो है ये हम लोग प्रॉपरली इसको फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डॉक्टर से चेक करा करके प्रॉपर लेंस यूज़ करना होता है। अब आइए, कभी कभी क्या होता है कि मायोपिया के साथ साथ जो है हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों ही परेशानी इंसान को जाती है, एक साथ दोनों ही परेशानी हो जाती है। तो ऐसे आदमी को क्या करना होता है, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करना होता है, यानी एक ही लेंस में दो तरह का फोकल होता है। इसको हम लोग देखिए, ये किसी भी रीजन से हो सकता है, सिलियरी मसल्स के डिमिनिशिंग से हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस की वजह से हो सकता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चश्मा लेते हैं जिसका कि अपर पार्ट जो होता है वो कॉनकेव लेंस का होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। इसको देखेंगे हम लोग, ये जो अपर पार्ट है ये कॉनकेव लेंस है यहाँ पे, और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेंस लगा करके भी इसको इलाज कर लेते हैं हम लोग, मतलब कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ये आइस पर यहाँ पे लग जाया करता है लाइक दिस, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन से भी इसको हम लोग इलाज कर लेते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब आइए टू आई विजन। हम इंसानों में दो आँखें होती हैं, जानवरों में भी दो आँखें होती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, भगवान ने क्यों दिया है? तो दो आँख से हम लोग क्या होता है कि रेंज जो है आइस का देखने का वो काफ़ी बढ़ जाता है। नॉर्मली एक आँख से हम लोग 150 डिग्री तक देख पाते हैं, दो आँख से हम लोग 180 डिग्री तक देखते हैं। एक आँख से क्या होता है कि हम लोग 150 डिग्री तक देख पाते हैं, जबकि टू आईज की वजह से हम लोग 180 डिग्री तक का हम लोगों को रेंज मिल जाता है। तो इससे हम लोग देखिए, इसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। अब इस आईज से हम लोग कितना एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यानी 150 डिग्री देख रहे हैं, और इस आईज से हम लोग कितना एरिया देख रहे हैं, 150 देख रहे हैं। ओवरऑल कितना देख रहे हैं हम लोग, 180 डिग्री देख रहे हैं। अब इसमें अलग अलग तरह का विज़न है, यहाँ ये जो विज़न है ये हम लोगों को विज़न तो ज़रूर है, ये विज़न जो है हम लोगों का 2D विज़न है, और प्रॉपर फोकस करने के लिए ये हमारा विज़न है। किसी चीज़ को प्रॉपर देखना होता है इसीलिए हम लोगों को गर्दन मूव करना होता है, गला अपना मूव करना होता है, उसकी तरफ देखना होता है, अदरवाइज़ ये हम लोग कम से कम दिख रहा है। अगर कोई हमारा प्रे यहाँ पे आएगा, कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे है,
और हम पर अटैक कर सकता है कोई जानवर सपोज है, तो वो हमें दिख तो जाएगा, फिर हम अपना गर्दन को मूव करके इसको प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं कि ये कोई खिलौना है या रियल का कोई वाइल्ड एनिमल है, तो इसलिए हम लोगों के पास टू आइज होता है। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि टू आइज से देखिए कुछ जानवर तो ऐसे हैं, देखिए बर्ड्स है इसके पास तो बहुत बड़ा अपर्चर है, देखिए हम लोगों का आइज तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है, पर इसके पास देखिए इसके पास तो काफ़ी बड़ा है, यानी लगभग ये इतना एरिया को देख पाता है, इतना एरिया को देख पाता है, इसके पास बहुत बड़ा रेंज मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इससे हम लोग 3D विज़न मिलता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप अपना एक फिंगर लेंगे और एक आईज से को क्लोज करके दूसरे आईज से इसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस पोजीशन पर दिखेगा, और इस आईज को फिर क्लोज करके इस आईज को ओपन करके अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इधर दिखता है। इसका मतलब है कि एक बार हम इस आईज से देख रहे होते हैं और एक इस साइड, जब दोनों आईज से हम लोग किसी पॉइंट को या किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो इसका एक 3D इमेज हमारे ब्रेन के पास बनता है, और इसीलिए हम लोगों के पास दो आँखें होती हैं। बात समझ में आ गई। थैंक यू।